चार दिन की पूजा अर्चना के बाद बुधवार की सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत पूरा किया। ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे परिसर पर रात भर मेले जैसा माहौल लगा रहा और भोर होते ही व्रती महिलाएं हाथ में सुपौली लिए पोखरे में खड़ी होकर सूर्य भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करती रही। जैसे ही सूर्य उदय हुआ महिलाओं ने अर्घ्य देना शुरू किया। ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे परिसर में बने भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने सूर्य भगवान की उपासना प्रारंभ किया। छठ माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हिंदू धर्म में इसे महापर्व के नाम से जाना जाता है। महापर्व छठ के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। सुहागिने अपने पति की दीर्घायु और पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भाव से शुरू करती हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहाँ उन्होंने पूर्व संध्या को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। सभी व्रती तथा श्रद्धालु घर वापस आते हैं। व्रती घर वापस आकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। इस दौरान घाटों पर जिला प्रशासन और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस के जवान और महिला पुलिस तैनात रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाएं और श्रद्धालुओं ने कहा, आदरणीय बड़े भाई साहब ने बताया स्टैंडर पास भी हम लोग संघर्षरत हैं। जनता इस पार की जनता है, समस्त सामान्य जनता की मांग है। संगठनों से आशीर्वाद लेते हुए, माताओं से आशीर्वाद लेते हुए, भगवान साथियों का आवादन करते हुए, माताओं का महानता Thank you.
प्रति धाम विकास समिति
व्यक्त करती है संस्कृति कला अद्भुत सजावट। आपको यहाँ श्रद्धा दिखेगी, वो चाहे साउंड सिस्टम में आप देख लें, वहाँ भी कहीं व्यावसायिकता नहीं। सब इसको अपना आयोजन मानते हैं। कोई दी गई इसको हर एप्लीकेशन में रिपोर्ट दिया गया, दंगा कराने की साजिश रची गई। कोई यहाँ के हमारे संविधान तो ये स्थिति है, यहाँ एक एक कदम चलना इस स्थल के सुंदरीकरण में बड़ा ही कठिन और गुरु कार्य है, लेकिन हम चले जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। आप सोचे दुख का यह स्थल रहा है, जी छठ का व्रत कल से स्टार्ट हुआ है, तो कल शाम को हम लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया, फिर आज सुबह सूर्य को अर्घ दिया और आज व्रत पूरा हो गया, तो आज इन लोगों का उपवास टूटेगा, तो फिर ये लोग आज फिर छठ का वो व्रत पूरा हो गया। हम एक्चुअली व्रत नहीं करने आए हैं, बट मम्मी के साथ आए हैं। बहुत सालों से हमारी मम्मी भी करती थी, ये ससुराल है, तो यहाँ पे भी मम्मी आई है। फर्स्ट टाइम है, इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है छठ यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए बार बार आते हैं। आज ये सूरज कुंड पोखरे पर जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हर तरह से लोग जो है यहाँ पर चारों तरफ से आते हैं, और ये छठ जो व्रत है इसमें जो है महिलाओं का बहुत बड़ा ये है। इसमें जो है महिलाएं जो हैं तीन रोज जो उपास रखती हैं, और उसमें जो है बहुत नियम और इससे सफाई से इसका ये जो है छठ पर्व जो है किया जाता है। छठ पर्व जो है ये बहुत ही सूर्य देव के जो साक्षात जो सूर्य देव हैं उनकी साक्षात पूजा है, इसलिए इस पर्व का बहुत ही महत्व है। ठीक, देखकर हम लोग का अच्छा लगा, इसलिए हम लोग भी माने मनौती किए कि हे छठ माता, मेरा भी मन से पूरे करेंगी तो हम लोग आएंगे छठ माता। तो मेरा बालक हो गया तो हम 18 साल हो गया बालक, 18 साल से हम माता जी का व्रत करते हैं, इसीलिए मनोकामना पूरा करती रहती है। कहते हैं जब तक क्लेश रहेगा तब तक माता जी का व्रत हमेशा करते हैं। माता जी को कोसी भर कर अपना पूरा सजा कर माता जी को खुशी से अपना सूर्य नारायण के अर्घ दिए, मनोकामना मेरा पूरा। ये मेरा दूसरा साल है, जब हम देखते थे व्रत करते हुए लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था। भगवान से ये मनना था कि मेरा एक बेटा हो, बहुत मुश्किलों के बाद से मेरा बेटा पैदा हुआ है। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा बेटा पैदा होगा, बहुत मुश्किलों से के बाद से हुआ है और बहुत खूबसूरत है। 17 महीने का मेरा बेटा है, तो मैंने भी छठ भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं भी छठ भगवान का पूजा उठाऊंगी, व्रत उठाऊंगी। काफी तैयारियों के बाद आज समापन जी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी हर मनोकामनाएं पूरी होती है।